दोस्तों आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ ऑटो कैड स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, ऑटो कैड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली 3D डिज़ाइन। जी हाँ, 3D किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करते जाऊँगा दोस्तों। और बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर जल्दी से ऑटो कैड 3D वीडियो डाल दो, हमें बेसिक से एडवांस सीखना है। जैसे कि आपने 2D की प्रैक्टिस कर ली होगी, मेरे बहुत सारे 2D के वीडियोज़ हैं। 2D की सीरीज़ तो चालू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, उसमें प्लान वगैरह बहुत कुछ पढ़ाना है। लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर यहाँ पर मैं 3D सीरीज़ भी लेके आ रहा हूँ, जिसके वीडियोज़ मैं रेगुलर अपलोड करते जाऊँगा, वादा करता हूँ आपसे दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ऑटो कैड का हमारा पहला लेक्चर। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, ऑटो कैड में 2D ड्राइंग के साथ साथ 3D ड्राइंग की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, तो चलिए 3D ड्राइंग की सीरीज मैं साथ में स्टार्ट कर देता हूँ। 2D के भी कुछ वीडियोस बाकी है, ऐसा नहीं कि 2D ड्राइंग्स खत्म हो चुकी है। 2D में सिविल के प्लान्स बनाना है, मैकेनिकल के भी कुछ ड्राइंग्स रहेंगे, आइसोमेट्रिक भी बाकी है दोस्तों। तो आइसोमेट्रिक 2D ड्राइंग्स तो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन 3D ड्राइंग की ज़्यादा रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे 3D ड्राइंग का पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें इंट्रो पार्ट में बताऊंगा कि कैड में 3D ड्राइंग शुरू कैसे करनी है। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ऑटो कैड में पहले ओवरव्यू समझो आप। ये जो ओवरव्यू है मैंने ओपन किया है, ऑटो कैड क्लासिक ओवरव्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क पेज में ऑटो कैड क्लासिक ओवरव्यू है। तो मैं इस पर क्लिक करके 3D मॉडलिंग अगर यहाँ पे ले लूंगा तो 3D मॉडलिंग इस तरह से आएगा। तो आप 3D मॉडलिंग में इस तरह से भी कर सकते हैं या क्लासिक व्यू में भी आप 3D के टूल बार्स ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, क्लासिक व्यू में भी 3D के टूल बार्स ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करने मैं आपको दिखा देता हूँ। चाहिए तो आप क्लासिक व्यू में कीजिए या फिर आप ऑटो कैड 3D मॉडलिंग में कीजिए, कोई भी वर्क स्पेस में कीजिए, नो इश्यूज। यहाँ पे ऑटो कैड क्लासिक में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटो कैड क्लासिक दोबारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लासिक आ रहा है। 3D मॉडलिंग के टूलबार्स नहीं है, मैं यहाँ पे जो टूलबार्स ऊपर आ रहे थे ये क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मैं जो फ्री स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसके अंदर ऑटो कैड ऑप्शंस मिल रहा है आपको। ऑटो कैड ऑप्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3D के लिए जो रिक्वायर्ड टूलबार है, 5 टूलबार यहाँ पे खासकर रिक्वायर्ड रहते हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले आप व्यू यहाँ पे लेंगे, व्यू आने के बाद वो इस तरह से दिखाई देगा, फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा लेना है विजुअल स्टाइल, यहाँ से तो नीचे विजुअल स्टाइल आपको मिल रहा है, विजुअल स्टाइल्स यहाँ पे आपने ले लिया है। आपको मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कि आपको सॉलिड एडिटिंग टूलबार लेना है, तो सॉलिड एडिटिंग के लिए आप स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे सॉलिड एडिटिंग टूलबार आ चुका है। आपको नेक्स्ट टूलबार लेना है मॉडलिंग, तो मॉडलिंग टूलबार भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट टूलबार लेना है आपको 3D ऑर्बिट, तो ऑर्बिट टूलबार यहाँ पे आ चुका है। तो ये टूलबार्स आपको यहाँ पे लेने हैं जो कि मैंने यहाँ पे ले लिए है। तो आप ये पहले टूलबार एक्टिवेट कीजिए, कौन कौन से टूलबार है यहाँ पे देख लीजिए। मैंने यहाँ पे 5 टूलबार ऑन कर दिए, एक्टिवेट कर दिए, अगर आप क्लासिक व्यू में काम करना चाहते हैं तो। मैं आपको दोनों व्यू में दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि क्लासिक व्यू में कैसे काम करें या फिर मॉडलिंग में कैसे काम करें। तो 3D में दोनों व्यू में मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बस समझना जरूरी है। आप कोई भी व्यू में सीखोगे तो भी ड्राइंग वैसे ही बनेगी दोस्तों, क्योंकि टूल्स तो वही यूज करने वाले, बस टूल्स का लोकेशन चेंज होता है, ड्राइंग वही बनेगी जो बनाना है। कैड का काम ही है ड्राइंग बनाना, तो आप कोई भी मॉडलिंग में, जिसको 3D मॉडलिंग अच्छा लग रहा है वो ले लो या फिर जिसको ये क्लासिक व्यू अच्छा लग रहा है उसमें ले लो और काम करो। तो मैं कोई भी 2D ड्राइंग को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है सबसे पहले बता देता हूं आपको ये इंट्रो पार्ट में। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल लीजिए जो कि आपको आता होगा ड्रॉ करना, और यहां पे डी इंटर प्रेस कीजिए रेक्टेंगल के लिए, और डी इंटर के बाद यहां पे 20x10 कर देना है दोस्तों। 20x10 एक रेक्टेंगल ले लेता हूं जो कि हमेशा मेरा फेवरेट डायमेंशन है। चलिए, यहां पे ये 2D है तो मैं इसे करूंगा सबसे पहले ये व्यू जो टूलबार दिख रहा है आपको, यहां पे व्यू पोर्ट टूलबार या व्यू टूलबार जिसे बोलते हैं हम लोग, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। इसमें आपको SW आइसोमेट्रिक लेना है जो कि मैंने यहां पे माउस रखा है अभी, तो SW आइसोमेट्रिक पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कैसे हो चुका है, ये आइसोमेट्रिक की तरह ड्राइंग दिख रहा है। फिलहाल आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी तो मैंने इंट्रो नहीं बताया आपको, लेकिन ये फिलहाल देख लीजिए। अब इसको मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसको एक्सट्रूड करना होगा। एक्सट्रूड के लिए कमांड मैं आपको बता देता हूँ, EXT। जी हाँ, EXT आप कमांड बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे EXT टाइप करना होगा आपको, EXT टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एक्सट्रूड कमांड एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सट्रूड कमांड इस तरह से आ जाता है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद माउस से आप हाइट दे सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से डायरेक्ट इंटर करो 5, तो मैं 5 हाइट दे रहा हूं। तो 20x10 के रेक्टेंगल को 5 हाइट दिया, तो इस तरह से ये 3D दिख रहा है। और मैं इसे 3D रेक्टेंगल में, मतलब शेड्स में देखना चाहता हूं, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है रियलिस्टिक स्टाइल। तो ये विजुअल स्टाइल टूलबार है जिसमें रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल आप ले सकते हैं, और आपको यहां पे दिखाई दे रहा है इस तरह से। आपको बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए
तो आपको पता है राइट क्लिक ऑप्शंस मैंने 2D के इसमें बता दिया है कि किसी भी इफेक्ट का बैकग्राउंड अगर बदलना है तो आपको डिस्प्ले में जाना है, कलर्स में जाना है, डिस्प्ले के अंदर कलर्स में यहाँ पे ब्लैक कर लेना है। चलिए ये आपको पता रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ क्योंकि आपने 2D में देखा होगा। तो इस तरह से आप ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले सकते हैं, दिखाई दे रहा है किस तरह से हो सकता है। इसे आप दोबारा 2D में मतलब देखना चाहते हैं 2D वायर फ्रेम में या विजुअल स्टाइल में, या फिर यहाँ पे अलग अलग स्टाइल से आप देख सकते हैं उसका वायर फ्रेम, हिडन वायर फ्रेम वगैरह, ये आप शो कर सकते हैं इस तरह से। इसको SW मैंने रखा है, ऑब्जेक्ट को मैं घुमाता हूँ, SE साउथ ईस्ट, SW साउथ वेस्ट, SE साउथ ईस्ट, और आगे है नॉर्थ ईस्ट, आगे है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे ये टूल बार जरा नोटिस कीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट का व्यू पोर्ट है, आप SW से यहाँ पे देख सकते हैं। आप टॉप व्यू देखना चाहते हो ऑब्जेक्ट का, जी हाँ टॉप व्यू देख सकते हैं। तो आप जब 2D ड्राइंग करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का हमेशा टॉप व्यू रहता है। तो यहाँ पे बॉटम व्यू देख सकते हैं, अब बॉटम लेके आप बॉटम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, लेफ्ट व्यू है, लेफ्ट व्यू कैसे आपके सामने ऑब्जेक्ट कैसे हो रहा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ बस। राइट व्यू एक बार, ये इंट्रो पार्ट है इसलिए मैं आपको सभी व्यू दिखा रहा हूँ, किस तरह से फ्रंट व्यू आ रहा है और किस तरह से यहाँ पे बैक व्यू आ रहा है। तो ये क्लियर हो चुका है आपको दोस्तों कि व्यू काम क्या करता है, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ये बस आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन एक बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। बस ये वीडियो देखने से आपको ये समझ में नहीं आएगा पूरा। तो मैं इसे इसे रहने देता हूँ, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, सी इंटो सर्कल मैं इस कॉर्नर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये सर्कल को मैं इस तरह से, अब देखिए अभी ये सर्कल ऐसे ड्रॉ रहा है। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि मैंने SW यहाँ पे दो चार बार घुमाया, तो पहले रेक्टेंगल कैसे टॉप व्यू में ड्रॉ हुआ था, तो अब ये जो लेफ्ट मतलब इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको कि ये फ्रंट व्यू सपोज है ये ऑब्जेक्ट का, तो ये फ्रंट व्यू में ड्रॉ हो चुका है ये इस तरह से एंगल से, क्योंकि UCS यहाँ पे रोटेट हो चुका है। आपको एक्स वाई और जेड में ही आपका शेप ड्रॉ होते हुए दिखाई देगा, एक्स वाई में शेप ड्रॉ होगा और जेड में उसका एक्सट्रूड होगा। तो जेड का एरो उस तरफ है तो सर्कल मेरा ऐसा ड्रॉ है, अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा, सिलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक, तो इस तरफ या इस तरफ जाएगा, माइनस दूंगा तो मैं इस तरफ आएगा बाहर, और प्लस दूंगा तो जेड की डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं यहाँ पे पास देता हूँ, तो इस तरह से सर्कल ड्रॉ होगा। लेकिन आपको सर्कल ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, बस इसी प्लेन में ड्रॉ करना है जो कि पहला प्लेन था। इसके लिए आपको UCS यहाँ पे देखिए UCS चेंज करना होगा। तो UCS के लिए UCS और एंटर करना है आपको, और फिर X को टाइप करना है यहाँ पे। ज़रा मैं कमांड लाइन में अलग जगह पे जूम कर दिया मैंने, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। UCS एंटर करने के बाद X एंटर कर रहा हूँ, X एक्सिस को पकड़ के मैं दो बार एंटर करूँगा, मतलब X एक्सिस अपनी जगह पे रहेगा और YZ यहाँ पे घूम रहा है। तो आपको दिख रहा है अभी X और Y की पोजीशन कैसी हो रही है, इसको समझ लो। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ होगा, अब ये रेक्टेंगल भी ड्रॉ कीजिए या सर्कल भी ड्रॉ कीजिए, नो इशू। सर्कल भी मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, सर्कल और ये X और Y प्लेन में ड्रॉ हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है ओके, एक्स और वाई प्लेन। तो एक्सट्रूड कीजिए, ये जेड प्लेन नीचे की तरफ है तो आपने प्लस साइन दिया, मतलब फाई टाइप किया तो नीचे जाएगा, माइनस फाई टाइप किया तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स जेड यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे है। तो इस जेड को ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा आपको, जी हाँ, UCS एंटर, एक्स को एंटर एंटर, आप देखिए रोटेट हो चुका है वहाँ पे, UCS एंटर अगेन, UCS एंटर, एक्स को स्टेबल रखेंगे हम, एंटर एंटर, एक्स को पकड़ के। तो आपको दिख रहा है ये उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे आपको 90 डिग्रीज में वो घूमते हुए दिखाई देगा कंटिन्यू, और वो जेड ऊपर आ चुका है। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो UCS एंटर, एक्स एंटर एंटर करके आप उस एक्स को पोजीशन फिक्स रखेंगे और YZ घूमते रहेगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये 3D ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो चेंज होते रहेगा। तो ये जरूरी समझना है UCS को, जो कि इंट्रो पार्ट में जरूरी है समझना, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट आपका कैसे ड्रॉ हो रहा है। तो ये रेक्टेंगल और ये सर्कल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया सिंपली, और उसके व्यूज़ अलग अलग दिखाए, इसको अलग अलग व्यूज़ में आप यहाँ से देख सकते हैं, और कैसे देखना है जो आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये टूल बार्स का काम क्या क्या है ये तो आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे दोस्तों। ये इसके अंदर और व्यू मैंने बता दिया है बस इस इंट्रो पार्ट में कि 2D ऑब्जेक्ट को कैसे हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझा होगा, लेकिन मुझे आपको 3D मॉडलिंग में भी ये समझाना है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको 3D मॉडलिंग में। तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिख रहा हूँ, वर्कस्पेस चेंज करो। अब ये 3D मॉडलिंग में मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो नए CAD इंस्टॉल कर चुके हैं 2017, 16, 18, तो उसके अंदर उनको ये मिलेगा। फिलहाल मैंने जो नया CAD इंस्टॉल किया है मेरे क्लासेस में दोस्तों, तो मेरे घर के PC में मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, और मैंने 18 की सीरीज नहीं चालू की है। हालांकि 18 की मैं सीरीज चालू करूँगा तो बेसिक से स्टार्ट करूँगा। फिलहाल इसमें देख लीजिए, अगर आप
18 में काम करते हो तो ऐसा हो रही हो 3D मॉडलिंग में आ जाएगा आपको। आप चाहिए तो इस टूल बार को यहाँ से गायब कर सकते हैं, जो यहाँ मिनिमाइज बटन है इसके लिए मिनिमाइज कर दीजिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉक्स वगैरह सब ऑप्शन से, एक्सट्रूड है जो कि मैंने अभी दिखाया आपको, लेकिन ये सभी ऑप्शन एक साथ तो नहीं सीखने, बस दो तीन ऑप्शन पहले सीख लो। तो यहाँ पे मैंने व्यू बताया था आपको, वो कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ पे व्यू ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो 10 व्यू मैंने आपको वहाँ पे बताए थे, SWSE, साउथ वेस्ट, जो भी है, वॉट एवर यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम योर SW। यहाँ पे दिख रहा है SW व्यू आ चुका है। एक्चुअली आप रेक्टेंगल करके ड्रॉ करके देख लीजिए, इसमें भी वही रेक्टेंगल D x 20x10 में ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ये फिलहाल 2D आ रहा है, आपको पता है इसको एक्सट्रूड करना है तो EXT कमांड है, EXT कमांड लेके आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक्सट्रूड बटन दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, और इस तरह से शॉर्टकट यहाँ पे भी दिया है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। वहाँ पे भी एक्सट्रूड ऑप्शन है उस टूल बार में, लेकिन पहले फिलहाल मैंने दिखाया नहीं आपको, एक्सट्रूड कमांड बता दिया है। तो एक्सट्रूड कमांड दे दो, इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हैं आप। और आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है, C x सर्कल ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे सर्कल आ चुका है, और फिर एक्सट्रूड बटन यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, EXT x एक्सट्रूड, और यहाँ पे मैं इस तरह से एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आए यहाँ पे ये व्यू कहाँ पे मिल रहा है, इसका रियलिस्टिक्स वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, जैसे 2D वायर फ्रेम वहाँ पे दिखाया था मैंने विजुअल स्टाइल, तो ये विजुअल स्टाइल टूल बार यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है व्यू, ये समझ लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सट्रूड टूल बार वही है। तो ये आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ कि इसमें काम करते समय भी आपको यहाँ पे ड्रॉ का भी मॉडिफाई का भी टूल बार आपको मिलता है, जो कि 2D में वहाँ पे अवेलेबल होता है या यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें और कमांड मैं आगे बता देता हूँ दोस्तों, अभी मैं सब्सट्रैक्ट कमांड आपको बता रहा हूँ, SU enter यानी कि सब्सट्रैक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पहला ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, ध्यान दीजिए रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको अभी दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट उसमें से सब्सट्रैक्ट हो चुका है, जो कि सेकंड मैंने सिलेक्ट किया था, सर्कल रेक्टेंगल से सब्सट्रैक्ट हो चुका है, माइनस सब्सट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, अंडू कंट्रोल जेड दोस्तों, अंडू, यू नो दैट अंडू मीन्स कंट्रोल जेड। तो यहाँ पे मैंने अंडू कर लिया और ये यहाँ पे पीछे लिया। तो मैंने एक्सट्रूड कैसे किया था और उसको सब्सट्रैक्ट कैसे किया, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट को माइनस करना, और ये सब्सट्रैक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टूल बार आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर में रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये सब्सट्रैक्ट का टूल बार है। तो मैं सब्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, सर्कल को पहले सिलेक्ट किया, जो कि इस तरह से, और सर्कल के और रेक्टेंगल को यहाँ पे 3D का, तो रेक्टेंगल माइनस हो चुका है उस सर्कल में, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपको दोस्तों कि किस तरह से ये यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होता है दोस्तों। तो सब्सट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, सब्सट्रैक्ट के साथ में यूनियन भी है, यूनियन आप कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, दोनों ज्वाइन होते हैं यूनियन में, ये छोटे कमांड से याद रखना है। अंडू कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल जेड अंडू कर लो, यूनियन को कंट्रोल जेड से ही यहाँ पे आप वापिस ले लो दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है, यूनियन मैंने बताया आपको, सब्सट्रैक्ट बताया, और इंटरसेक्शन भी देख लो, इंटरसेक्शन में दोनों को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। देखिए इंटरसेक्शन में ऑब्जेक्ट को दोनों को सिलेक्ट करते राइट क्लिक करते, यूनियन में भी दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता है, लेकिन सब्सट्रैक्ट में ऐसा नहीं करना है, पहला सिलेक्ट करके राइट क्लिक, दूसरा सिलेक्ट करके राइट क्लिक। तो ये कमांड से यहाँ पे समझ लेना है और याद रखना है। तो सब्सट्रैक्ट के लिए SU enter करना हमेशा, सब्सट्रैक्ट ज़्यादा यूज होता है तो इसलिए उसका शॉर्टकट की आप यहाँ पे याद रखो SU enter। तो इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों के बीच का पार्ट यहाँ पे रह गया है, बस ये आपको समझ में आएगा इंटरसेक्शन में रहता क्या है। तो ये 3D का इंट्रो पार्ट है दोस्तों, और वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा मैं तो, बोर हो जाएंगे आप, इंट्रो पार्ट पहले देख लो। 3D का ये पहला लेक्चर है जिसमें पहले इंट्रो बता दिया मैंने आपको कि मॉडलिंग के अंदर कैसे काम करना है, या फिर आप क्लासिक व्यू में कैसे काम करोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझा होगा और अच्छा लगा होगा, लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब करना नए हो मेरे चैनल पे तो, और CAD में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, जो कि 3D में बहुत कुछ सीखना है हमें, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है 3D, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है भाई 3D, तो आपको कैसे लगता है क्या पता, लेकिन बने रहो मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।